अमरिंदर सिंह इतना डरता है, अपनी कोठी जाओ उसका पूरा फोर्ट है, वहां पर 500 मुलाजम हैं, लेकिन आम आदमी के 20 एमएलए को कोठी तक नहीं जाने की अनुमति दी। दिस इज अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टोटल धक्का है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास साथ। हम जाएंगे उसकी कोठी तक और रेता बजरी का माफिया की बात उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ना इस तरह डरा सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सबूत हैं, जज साहब तो इनके वकील हैं, ये मेरे को यहाँ से छोड़ेंगे। मैं बाहर आकर के सारे देश को बताना चाहता हूँ कि जो जस्टिस नारंग हैं उनका बेटा राणा गुरजीत का वकील रहे, उनके परिवार का वकील है अमित जीत नारंग, क्या इस तरह के जज इंसाफ दे सकते हैं? जो इनसे फीस लेते हैं, जो इनसे पैसे लेते हैं केसों के, इसलिए मैंने जस्टिस नारंग को अपील है कि एथिकल और मोरालिटी को सामने रखते हुए आप अपने इस जुडिशियल वर्क से विड्रॉ करें, रिक्यूज करें अपने आपको। ये आप इंसाफ नहीं दे सकते, ये राणा गुरजीत ने अपनी मर्जी से जज को लगवाया है अमरिंदर सिंह को बोल के। 5 दिन अमरिंदर सिंह ने इनको समा दिया कि आप सारा क्लीन अप कर लो, सारे अकाउंट ठीक कर लो, जज इनकी मर्जी से लगा है, जो इनका काउंसिल है ये कभी स्वीकार नहीं। पंजाब के लोगों को राणा गुरजीत का इस्तीफा चाहिए, इसमें इम्पार्शल हाई कोर्ट के सिटिंग मौजूदा जज की जांच चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। आज आपने देखा, सारे मीडिया ने, पूरे पंजाब ने और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि कैसे 70 साल के अंदर जो डेमोक्रेसी का कहना, लोकतंत्र का कहना अज तक नहीं हुआ है। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह की शह के उपर उन्होंने नक् के हेठा डेमोक्रेसी का कहान हो रहा है। जब इन्हों का एक मंत्री राणे गुरजीत के रसोईए जिन्हें 26 करोड़ की एक खदान ली है, वो अगेंस्ट आम आदमी पार्टी के भी और लोक इंसाफ पार्टी के 2 MLA 22 MLA बड़े पीसफुल तरीके दे नाल विधानसभा तो लैके जिथे कि सानू लखां लोगों ने चुन के भेजे है उतों मुख्यमंत्री की कोठी तक एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में जा रहे थे, तो विधानसभा के अंदर ही इन्होंने सानू हाउस अरेस्ट कर लिया। मैं समझदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज लोकतंत्र का कहान किया। हुण तक तो असी सिर्फ राणा गुरजीत की बर्खास्तगी की मांग करते सी। मैं समझदा कि इस जो अज कांड किया इन्होंने वो नैतिक तौर पर जिम्मेवारी लेंदे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद को इस्तीफा देना चाहिए कि किस तरह उन्होंने लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे अज इतने सानू हाउस अरेस्ट करके किस तरह से बिहेव किया गया लखां लोगों के नुमाइंदे। अगला कदम तो आप देखिए कि इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया है। मैं इतना बताना चाहता हूँ पूरे पंजाब के लोगों को कि हम इस मसले को लेके अब चुप नहीं बैठेंगे। हमारा मकसद है लोगों को रीजनेबल रेट्स के ऊपर रेता बजरी प्रदान करवाना, और जिस रेट्स पे इन्होंने लिए हैं उस हिसाब से 8.5 लाख रुपए का एक टिप्पर पड़ेगा आम लोगों को। कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी कैसे अपने घर परिवार को चला सकता है, कैसे घर बना सकता है? इनका काम है सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग करना। पहले जो काम अकाली करते रहे हैं उससे भी मैं समझता हूँ कि 4 कदम आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आगे बढ़ चुकी है। शर्म आनी चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को। पहले अकाली दल ने ऐसे किया, अब ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। क्योंकि और इसको मंत्री क्या MLA भी रहने का हक नहीं है इनको। और ये जो इंक्वायरी पॉइंट की है उस इंक्वायरी का कोई फायदा नहीं जब तक ये राणा गुरजीत खुद कैबिनेट में बैठा है। राणा गुरजीत को कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए, वो अपना नाम अगर क्लियर होता है तब उसके बाद आए। और ये जो जज भी अपॉइंट किया है वो जज वो है जो उनके अपने एडवोकेट पहले रह चुके हैं और उसके बेटा आज भी एडवोकेट है, तो ये उनके कहने के ऊपर ही हुआ है। ये बिल्कुल जो गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से ये कैप्टन सरकार चल रही है। जो जुडिशियल कमीशन है, जो राणा गुरजीत कैबिनेट में बैठा है, इरीगेशन मिनिस्टर बैठा है, तो उस जुडिशियल कमीशन का कोई फायदा ही नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल ये जुडिशियल कमीशन का बेअर्थ है। और वो जो एडवोकेट ही पॉइंट जो जज पॉइंट किया है, वो जज पहले राणा गुरजीत का अपने एडवोकेट रह चुके हैं, उनका बेटा भी इनका एडवोकेट है,
तो उसके कहने के ऊपर जो किया है ये बहुत बड़ा धोखा है पंजाब की जनता के साथ। ये जो कैप्टन सरकार कांग्रेस सरकार यहाँ की कर रही है, ये हम जवाब मांगते हैं आज, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगते हैं, क्या यही कांग्रेस की पॉलिसी है? क्या यही कांग्रेस का काम है कि इमरजेंसी जैसे हालत पैदा कर दो, सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एमएलए मिलने जा रहे थे, मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर बंद कर दिया। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये राणा गुरजीत को ये कैबिनेट से बर्खास्त नहीं करते।